हाय गाइस, आई एम सिमी। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ हाउ टू यूज मेकअप प्राइमर। प्राइमर क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हमें कौन सा प्राइमर यूज करना चाहिए, ये सारी बातें मैं आज आपसे शेयर करूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सकें। लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो गाइस, मेकअप करने से पहले सबसे पहले हमें अपने फेस पे सीटीएम कर लेना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सीटीएम कैसे करना है, तो अगर आपको सीटीएम के बारे में जानना है तो आप मेरी वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप अपने फेस का सीटीएम कर लीजिए, उसके बाद ही आपको मेकअप करना है। सीटीएम करने के बाद आप प्राइमर अप्लाई करोगे। प्राइमर, मेकअप प्राइमर का देखो, मेकअप में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। जो हमारा प्राइमर होता है वो फाउंडेशन की लॉन्गेविटी को बढ़ाता है, फाउंडेशन हमारा ज़्यादा देर तक स्टे करेगा, हमारे जो पोर्स होते हैं उनको मिनिमाइज करता है, सीबम हमारे ऑयल को कंट्रोल करता है जिससे हमारा फाउंडेशन ऑक्सीडाइज नहीं होता, हमारे फाउंडेशन को डार्क होने से रोकता है, ग्रे होने से रोकता है। कई बार देखो गाइस, हमें प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारा जो फाउंडेशन है ग्रे हो जाता है, डार्क हो जाता है। तो अगर हम सही प्राइमर अप्लाई करेंगे फाउंडेशन लगाने से पहले, तो हमारा जो फाउंडेशन है कभी भी ग्रे नहीं होगा, डार्क नहीं होगा। तो दूसरी बात आती है, कौन सी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हमें कौन सा प्राइमर यूज करना चाहिए। अगर गाइस हमारी स्किन ड्राई है, देन यू कैन यूज क्रीम बेस्ड प्राइमर। मैक का, मेकअप स्टूडियो का, क्रायलोन का, किसी भी कंपनी का आप यूज कर सकते हो, बट आपको क्रीम बेस्ड प्राइमर ही यूज करना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, ऑयली स्किन के लिए आप जो है वाटर वेस्ट, जेल वेस्ट ही यूज करोगे प्राइमर। तो मैक का, मेकअप स्टूडियो का, किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हो। एंड बट अगर वेस्ट प्राइमर आपको यूज करना चाहिए, अगर आपको ग्लॉसी लुक चाहिए तो पर्ल फिनिश प्राइमर आप यूज कर सकते हो, किसी भी कंपनी का, मैक, मेकअप स्टूडियो का, क्रायलोन का, किसी भी कंपनी का आप यूज कर सकते हो। अगर हमारे फेस पे एजिंग प्रॉब्लम आ रही है, रिंकल्स वगैरह आ रहे हैं, तो एंटी एजिंग प्राइमर यूज करना चाहिए। एंटी एजिंग प्राइमर आपको किसी भी कंपनी का मिल जाएगा, आप मैक, मेकअप स्टूडियो, क्रायलोन वगैरह का, किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हो। एंड अगर आपके ओपन पोर्स हैं, पिंपल्स वगैरह हैं, देन आपको जो पोर फिलर के लिए जो मैं प्राइमर यूज करना चाहिए वो प्राइमर विद एसपीएफ यूज करना चाहिए। जैसे बीबीसीसी क्रीम आप यूज कर सकते हो डेली यूज के लिए, कभी भी हमें हैवी फाउंडेशन यूज नहीं करना चाहिए, बीबीसीसी क्रीम इनफ होती है वो उसी हम लगा, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी। एंड आपको जो है मस्कारा प्राइमर भी यूज करना चाहिए। मस्कारा प्राइमर क्या होता है, जो भी आपकी आईलैसेज होती है उसमें अगर आपको वॉल्यूम ऐड करनी है, आपको जो आईलैसेज है अपने वो आपको बड़े दिखाने हैं, थिक दिखाने हैं, तो आप जो है प्राइमर अलग से मिलता है मस्कारा प्राइमर, बट आप वो यूज नहीं करना चाहते हो तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट मस्कारा। आप पहले ट्रांसपेरेंट मस्कारा अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद आप जो है अपना मस्कारा ब्लैक वाला वो यूज कर लीजिए। आपके जो आईलैसेज हैं वो थिक हो जाएंगी, हैवी हो जाएंगी, वॉल्यूम आ जाएगा। एंड नेक्स्ट है हमारा लिप प्राइमर। देखो, अगर हम लिप प्राइमर यूज नहीं करेंगे तो हमारी लिपस्टिक फैल जाती है। अगर आप लिप प्राइमर नहीं यूज करना चाहते हो तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है वैसलिन। आप वैसलिन यूज कर सकते हो। वैसलिन जो है आपको लिपस्टिक से फैलने से रोकेगी। दूसरे, आपकी जो भी वर्टिकल लाइंस होंगी, अगर आपके पास कोई भी प्राइमर नहीं है तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप्स बताती हूँ। आप जो है एज अ प्राइमर एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो, वो प्राइमर के जैसा ही काम करता है, तो आप एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।